हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। यूपी बोर्ड क्लास टेंथ आज कंप्यूटर के पेपर था जिसमें बच्चों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड आज आपका दो पेपर ख़त्म हो चुका है, हाई स्कूल का और इंटर का भी एक पेपर ख़त्म हुआ है, बाकी आपका कॉमर्स वाला भी सेक्शन का भी पेपर चल रहा है। हम बात करेंगे दोस्तों यूपी बोर्ड क्लास टेंथ आज कंप्यूटर के पेपर था उसमें किस तरीके से क्वेश्चन थे, बच्चों ने उन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनके कौन से ऑप्शन सही है दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, तब जाकर आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिएगा। बाकी यदि हम यूपी बोर्ड कंप्यूटर के पेपर की बात कर लें तो कंप्यूटर का पेपर बहुत ही आसान आया था, इतना आसान पेपर आज से पहले कभी नहीं आया था। हाँ दोस्तों, प्रोग्राम की बात कर लें तो आपके जो यूपी बोर्ड में प्रोग्राम आया था सबसे सिंपल प्रोग्राम आया था। क्या आया था प्रोग्राम, लिखा था प्रिपेयर ए फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग एंड राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज फॉर इट, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51। हाँ दोस्तों, आपको एक प्रोग्राम लिखना था सी लैंग्वेज में जो कि 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं का सम करे और इसका फ्लो चार्ट भी बनाना था। तो दोस्तों इतना आसान पेपर आज तक, इतना आसान जो प्रोग्रामिंग है आज तक इतिहास में कभी नहीं पूछा था यूपी बोर्ड कंप्यूटर के पेपर में दोस्तों। तो ये आसान प्रोग्राम था, आप लोग इसको कर लिए होंगे, नहीं ये नहीं किए होंगे तो अथवा करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्लेन व्हाइल और फॉर लूप विथ एग्जाम्पल, व्हाइल और फॉर लूप को एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाना था दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इसको आपने लिखा होगा और इसका जो एग्जाम्पल हो भी आपने दिया होगा। बहुत ही आसान पेपर था। हम बात कर रहे हैं सबसे फर्स्ट ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बुलियन फंक्शन नहीं है। बुलियन फंक्शन नहीं है बात बोल रहा है, तो एंड और नॉट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर बुलियन फंक्शन नहीं है, ये एक लूप है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नवीनतम है, यानी कि लेटेस्ट लैंग्वेज पूछा हुआ है आपका, तो फोर्टान पुरानी है, सबसे जो लेटेस्ट है वह आपका C++, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर संचार से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, दिए हुए हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इंटरनेट, टीवी ट्रांसमिशन, जिसका जो मोस्ट प्रिफेयर्ड आंसर होगा इसका ये होगा डी वाला, टीवी ट्रांसमिशन। वैसे चारों ऑप्शन तो इसमें सही है, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चौथा वाला क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, टीवी ट्रांसमिशन। चौथा लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ फोर बिट इज़ कॉल्ड निब्बल, ग्रुप ऑफ फोर बिट इज कॉल्ड निब्बल। और पांचवा लिखा है हाउ मेनी इनपुट वेरिएबल कैन बी ऑफ इन नॉट गेट, गेट तीन होते हैं, एंड और नॉट, नैंड और नॉर गेट, ये सारे गेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट गेट का ऑप्शन पूछा हुआ है, तो नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। इस तरीके से आपने देखा कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा, और चौथे का दूसरा वाला, पाँचवें का आपका पहला वाला आपका ऑप्शन सही। दोस्तों आगे बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में, तो ये भी बहुत आसान पेपर बताया था, बहुत आसान था, जिसमें लिखा हुआ है कि आपको राइट द फुल फॉर्म ऑफ लैन, लैन का फुल फॉर्म लिखना था, कौन नहीं जानता लैन, ठीक, लोकल एरिया नेटवर्क, एक्सप्लेन द नेम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, हाँ राइट द नेम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा का नाम क्या है, एंड और नॉट गेट, बुलियन अलजेब्रा का नाम है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा कम्युनिकेशन रेट, डाटा कम्युनिकेशन रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन था। फिर चौथा क्वेश्चन था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडम, मॉडम क्या करता है, आपको नेट से कनेक्ट करता है, मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का काम करता है मॉडम। और चौथा ऑप्शन है व्हाट इज वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये है आपका चौथा वाला क्वेश्चन, इसका व्हाट इज वीडियो के बारे में लिखना था, ये एक डिस्प्ले यूनिट है जो कि आउटपुट देती है आपको। इस तरीके से दूसरा वाला क्वेश्चन था, तो सारा क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसा करते हैं कि अच्छे तरीके से किया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना आसान पेपर आपका इससे पहले नहीं आया था। फिर एक तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है, तार की मोटाई पर डिपेंड करता है, जो कि डाटा ट्रांसमिटर रेट को डिफाइन करता है, जो तार जितना मोटा होता है, जिसकी बैंडविड्थ जितनी अच्छी होती है, उसका ट्रांसमिशन रेट उतना ही आपका ज़्यादा होता है। तीसरा वाला क्वेश्चन था आपका, इसके बारे में डिफाइन करना था। फिर व्हाट इज एक्स विंडो, लाइनेक्स में पढ़े हैं आप लोग, एक्स विंडो क्या होता है, सी ए आर राइट द 2s कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10 10 10, यानी इन सब बाइनरी नंबर का 2s कम्प्लीमेंट लिखना था। तो 2s कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पहले 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देते हैं दोस्तों। 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, इस तरीके करके आपका 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं, तब जाके 1 ऐड करते हैं, तब जाके आपका 2s कम्प्लीमेंट बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आपकी सही रही होंगी। 2s कम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, पहले 1s कम्प्लीमेंट में चेंज करते हैं, जो आंसर आता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो हो जाता है आपका 2s कम्प्लीमेंट। फिर डी वाला लिखा हुआ एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ
कैट कमांड इन लाइनक्स। लाइनक्स में कैट कमांड का यूज आपका डिस्प्ले करने के लिए होता है, आउटपुट देने के लिए कैट कमांड का यूज होता है। राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड एंड नॉर गेट्स, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हैं कि 1% आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी जो बच्चे ट्रुथ टेबल पढ़े होंगे उनके लिए सही था आपका। यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड करना था, लुल्लू सा सवाल बोल सकते हैं, मतलब इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं को ऐड करना है, आप लोग कर लिए होंगे। लिखा है व्हाट डू यू मीन बाय फायरवॉल, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस आने से आपके कंप्यूटर में रोकता है। राइट द एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो कि कम्युनिकेशन केबल होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डज ए हब डू, हब क्या करता है, हब सर्वर मेन कंप्यूटर्स, ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कंप्यूटरिंग पढ़ा होगा। फिर है व्हाट इज CLI, CLI क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस फुल फॉर्म होता है, जो कि जैसे दो प्रकार के विंडो होते हैं आपके, CLI होता है, GUI बेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ये विंडो के बारे में आपको लिखना था इसमें। फिर पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है इस्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन अमाउंट बिट निब्बल बाइट एंड मेगाबाइट, 8 4 बिट 1 निब्बल 8 बिट 1 बाइट, इस तरीके करके आपको सारा कुछ लिखना था। मेगाबाइट MB 1024 बिट इक्वल टू MB, इस तरीके से आपको पांचवा का पहला वाला करना था। पांचवा का बी वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्लेन द एग्जांपल्स लाइन, जो बी वाला क्वेश्चन है वहाँ लिखा हुआ है कि MB कमांड और ग्रेप कमांड दोनों को एक्सप्लेन करना था, ठीक है। फिर उस पर लिखा है पांचवा का सी वाला लिखा हुआ है ASCII कोड, इसका एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन विच एग्जाम्पल ASCII कैरेक्टर कोड, ASCII कैरेक्टर कोड को एक्सप्लेन करना था। ASCII का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग लिख देते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट रीजन फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ द सी लैंग्वेज, मतलब कि सी लैंग्वेज कितनी पॉपुलरिटी क्यों है, इसको आपको लिखना था। तो इस पर बुक में देख करके या फिर अपने पढ़े ही होंगे या फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं कि भाई सी लैंग्वेज को इतना पॉपुलर क्यों बोला गया, क्योंकि सबसे बेस लैंग्वेज है। जावा पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, स्पार्क, हडूप तक जो लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे जो बेस होता है आपका सी लैंग्वेज होता है, इसलिए सी लैंग्वेज क्या है आपका पॉपुलर है इतना। राइट द करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कितने करेक्टर सेट होते हैं उसके बारे में आपको लिखना था। यहाँ पे एक्सप्लेन BI टेक्स्ट एडिटर, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यह टेक्स्ट एडिटर वाला, ये लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता है, तो हमने बच्चों से बोला भी था कि बाबू ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने पढ़ाई भी होगा और देखा भी होगा दोस्तों। जो सबसे आसान सवाल था वो सेवन्थ वाले पोर्शन से था, इसमें आपको एक प्रोग्राम लिखना था 1 से 51 तक के संख्याओं को सम करने के लिए और इसका फ्लोर चार्ट बनाने के लिए। बाकी आठवें वाले हम देख लेंगे फाइल हैंडलिंग और पॉइंटर्स, इसको डिफाइन करना था। फाइल हैंडलिंग, फाइल को मैनेजमेंट किस तरीके से, लास्ट वाला जो लेसन है आपका, फाइल को किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है, फाइल को आउटपुट सेव करना, उसका आउटपुट देना, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें लिखना था। पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स डिफाइन करके एक एग्जांपल लिख दिए होंगे तो आप लोगों का पेपर अच्छा हो गया होगा। आप लोग का आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग सब लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि पेपर बहुत ही आसान आया था। हम लोग साइंस के क्वेश्चंस को जो कि फिजिक्स का पेपर आप लोगों का नेक्स्ट है क्लास 10th का देखेंगे हम लोग, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। इधर जो 3-4 दिन 7-5 दिन का आपका गैप है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख सकूं, जिससे कि आप लोगों का कुछ हेल्प हो सके, कुछ मदद हो जाए एग्जाम में, उससे कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो हम आपको वीडियो बना के देते रहेंगे, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।